बुधवार को महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के वर्धा जिला अध्यक्ष अतुल वांदिले के मार्गदर्शन में साइलोन में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। राज्य में कोरोना महामारी के कारण रक्त की कमी की गंभीरता को देखते हुए मनसे जिला अध्यक्ष अतुल वांदिले और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के पदाधिकारियों ने शिविर में बड़ी मात्रा में रक्तदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी रक्तदाताओं ने मास्क, हाथ को सैनिटाइज कर और सामाजिक दूरी के साथ की। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना हिंगणघाट यांच्यातर्फे चालू कॅम्प आज ऑर्गनाईज केलेला आहे ब्लड डोनेशनसाठी। याबद्दल मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मनापासून आभार मानतो। आताशा रक्ताची अत्यंत गरज आहे, सध्या रक्ताचा खूप सुतोवडा जाणवतो आहे आणि अशा अतितटीच्या काळात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हिंगणघाट यांच्यातर्फे हा ब्लड डोनेशन कॅम्प जो ऑर्गनाईज केला, याबद्दल जीवनज्योती ब्लड बँक लक्ष्मीनगर नागपूर यांच्या संपूर्ण चमूतर्फे मी सर्वांचे आभार मानतो। सकाळपासून आतापर्यंत जवळजवळ 15 डोनर्स झालेले आहेत आणि अजूनही पुढे होणार आहेत। तर मी आशा करतो की जास्तीत जास्त लोक डोनेशनसाठी पुढे येतील आणि बऱ्या प्रकारे रक्तदान करतील। सप्टेंबर 2020 रोज बुधवारला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेद्वारा भव्य रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। रक्तदान शिबिरांकरता नागपूरची टीम जीवनज्योती हे नागपूरवरून हिंगणघाटला साई मंदिर येथे आलेली आहे आणि ब्लड डोनेटचा कार्यक्रम अतिशय मोठ्या प्रमाणात आणि आज कोरोनाच्या एवढ्या मोठ्या संकटामध्ये खूप लोकांनी आज जो रक्तदान शिबिराला उपस्थिती दिली त्यांचे सर्वांचे मी मनापासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आभार मानतो। रक्तदान शिबिर में मनसे जिला अध्यक्ष अतुल वांदिले, जिला उपाध्यक्ष अमोल बोरकर, जिला सचिव सुनील भुते और अन्य उपस्थित थे। वाहतूक सेना के जिला संगठक रमेश घंगारे, शेतकरी सेना जिला अध्यक्ष किशोर सांभारे, विद्यार्थी सेना जिला अध्यक्ष राहुल सोल्टे, तहसील संगठक जयंत भाऊ कतरकर, आरोग्य सेवा जिला अध्यक्ष उमेश नेवारे, महिला सेना जिला अध्यक्ष नीता गाई गजबे, शहर संगठक सीमा ताई तिवारी, मनसे शहर अध्यक्ष राजू सिन्हा और अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी इस समय उपस्थित थे। इस रक्तदान शिविर में डॉक्टर अनिल नामपल्लीवार, डॉक्टर किशोर खोबराकड़े और जीवन ज्योति ब्लड बैंक इनका सहकार्य मिला। NBC न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।